हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अब बहुत अच्छी हूँ। और गाइज, मैं बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ आप लोगों को। पता नहीं क्यों, बस दिल नहीं करता वीडियो बनाने का, बट सोच रही हूँ इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँ मैं आप लोगों के सामने डेली। और यहाँ पर मैं नहीं मतलब मेरे मम्मी यहाँ पे जवारी की रोटी बना रहे, तो मैंने सोची क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये रोटी की रेसिपी शेयर करूँ। क्योंकि मैंने अक्सर देखी हूँ रोटी जो भी ऐसी बनाता है जवारी की या मक्के की रोटी, तो वो हमेशा फट जाती है। तो मेरी मम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छी रोटी बनाते, तो मैंने सोची क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। कुछ भी नहीं है, देखो ये सिर्फ जवारी का आटा है, जवारी जानते होगे आप लोग सब, और बस वही आटा अच्छे से मम्मी ने छान के लिए, चार पाँच रोटी का आटा है ये, उसके अंदर अपना ये सादा पानी रहता है, वो डाल के उसको अच्छे से आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ भी इसमें नहीं डालते, ना ही नमक वगैरह कुछ भी इसमें नहीं डालने का रहता है। और बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छी वाली रोटी आप मम्मी आप लोगों को देखो बताएंगी बना के देखो। और मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मैं अभी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ, तो इसके वजह से मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। बस जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वैसी वीडियो अपलोड किया करूँगी। और मम्मी का अच्छे से आटा गूंद के हो गया है। और देखो सबसे मेन ज़रूरी यही है, यही बहुत अच्छे से आटा गूंदना चाहिए, उससे हमारी रोटी बिल्कुल भी फटती नहीं है। आप लोग देख सकते मम्मी बहुत टाइट करके आटा गूंद दिए मम्मी ने। और अभी यहाँ पे देखो ये पाटला रहता है जो हम लोग रोटी बेलते, उसके ऊपर ही मम्मी ने थोड़ा सा सूखा आटा डाल के उसके ऊपर मम्मी ऐसे हाथ से रोटी बना रही। कोई कोई बेल के रोटी बनाता बट वो अच्छी नहीं लगती है, उसकी टेस्ट भी नहीं अच्छी लगती। बेल की सिर्फ गेहूं की रोटी अच्छी लगती है, बाकी ये जवारी की रोटी ये सब हाथ से ही, चावल की रोटी देखो ये हाथ से ही है। माशाल्लाह देखो कितनी अच्छी मम्मी ने बिना टूटे, बिना उसके देखो कितनी अच्छे से रोटी बनाई है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते, जवारी का आटा है ये, और मुझे कमेंट करके बता दीजिए। देखो मम्मी की कितनी माशाल्लाह बड़ी रोटी बन गई है ये। और तवा गरम करने ऑलरेडी रख दिए थे पहले से ही, और अभी इसके ऊपर मम्मी सादा पानी, वो जो है ना आटा गूंदने के लिए लिए थे, बस वही पानी लगा देंगे। और फिर ये पानी लगाने के बाद फिर मम्मी देखो उसको कितना आराम से उसको पलटेंगे। और पलटने के टाइम पे जो चम्मच रहता है ना उसको थोड़ा सा पानी लगाना चाहिए, देखो ऐसा पानी लगा के उसको ऐसा पलटना चाहिए हाथ के हाथ एकदम से। और फिर देखो, और उसमें थोड़ा सा अभी धीमी आंच करने का मीडियम साइज़, और फिर उसको अच्छे से सेक लेने का। देखो कितनी मस्त रोटी सेक के देखो तैयार हो जाएगी। और फिर देखो 2 मिनट के बाद मम्मी उसको देखो कितना अच्छे से सेक रहे हैं, और बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। थोड़ा सा इसमें मिठासपन भी आता है खाने के टाइम पे, आप लोग खाते होगे तो मालूम होगा। और बहुत मस्त लगती है ये रोटी, किसी भी साथ हम लोग खा सकते हैं, ज़्यादातर चटनी वगैरह के साथ ये बहुत यम्मी लगती है और बहुत इजी वाली ये रोटी है। मैं इसके वजह से सोची क्योंकि बहुत सारे जन की रोटी मैंने देखी फट जाती है, बट ये ऐसा नहीं है। देखो मेरी मम्मी ने कितनी अच्छी रोटी बनाई, और देखो दोनों तरफ देखो कितनी अच्छी फूल रही है, देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी अच्छी फूल रही है ये रोटी। और बस अभी हम लोग इसको चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी रोटी की, जवारी की रोटी की, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखना, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी।